आज की ये वीडियो 1942 में आज के दिन हुए क्विट इंडिया मूवमेंट को श्रद्धांजलि है। नमस्कार, मैं हूं गजम अरुणाचल इंडिया से। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति उस आंदोलन का नाम है जिसने भले ही उस वक्त भारत को आजादी नहीं दिलाई हो लेकिन अंग्रेजों के मन में एक ऐसी छाप छोड़ दी थी जिससे अंग्रेजों को यह यकीन हो गया था कि अब लंबे समय तक भारत पर शासन करना उनकी बस की बात नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के कुछ ऐसे कम सुने सुनाए किस्सों को आपके सामने रखूंगा जो इतिहास के पन्नों में दब से गए हैं और इनसे जुड़े नाम सतह पर ठहर रहे उन बलिदानकारियों के नाम के आगे धुंधले से पड़ गए हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट की आग ने भले ही 8 अगस्त 1942 को भारत में लहर पकड़ ली थी लेकिन इसकी चिंगारी दूसरे विश्व युद्ध से उठकर 1939 को पहले ही भारत में आ गई थी जब अंग्रेजों ने भारत की जानकारी के बगैर ही दूसरे विश्व युद्ध में भारत को जर्मनी के खिलाफ खड़ी कर दी थी। इंडिया हैड बीन ड्रैग्ड इनटू द वॉर Without consulting its people. गांधी जी के नेतृत्व और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पहल में अब हिंदुस्तान की आवाम आजादी से कम किसी भी विकल्प को अपनाने को तैयार नहीं थी और ऐसे में अगर हम क्विट इंडिया मूवमेंट के मुख्य कारणों को देखें तो उनमें से सबसे पहले था 3 सितंबर 1939 का वो अनाउंसमेंट जिसने भारत को दूसरे विश्व युद्ध में भारत के मर्जी के बगैर ही खड़ी कर दी थी जो खास करके जर्मनी के खिलाफ था। दूसरा कारण हम मान सकते हैं अगस्त ऑफर में हिंदुस्तानियों के लिए कुछ खास नहीं था। तीसरा कारण था यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के भारतीयों के खिलाफ निगेटिव एटीट्यूड। चौथा और इमीडिएट कारण था क्रिप्स मिशन का विफल होना। दरअसल अंग्रेज क्रिप्स मिशन के जरिए भारत को अपने साथ दूसरे विश्व युद्ध में खड़े करना चाहता था और अपने सिद्धांतों के हित में भारत भी तैयार था। भले ही उस वक्त तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेज के खिलाफ INA तैयार कर ली थी, इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आजाद हिंद फौज तैयार कर ली थी, लेकिन भारत को इसके बदले अपनी आजादी चाहिए थी। लेकिन अंग्रेजों ने भारत की किसी भी मांग पर किसी भी तरह से कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई और इसका नतीजा यह हुआ कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया, विफल हो गया। अगर हम क्रिप्स मिशन की बात करते हैं और सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अगर हम इनके किरदार को देखते हैं तो ये भारतीयों की आज़ादी के हित में थे क्योंकि ये लेफ्ट विंग लेबर पार्टी के एक सदस्य थे जो भारत की आज़ादी के हित में बात किया करती थी। लेकिन इनके ऊपर दबाव था विंस्टन चर्चिल जो यूके के प्रधानमंत्री थे क्योंकि सर स्टेफर्ड क्रिप विंस्टन चर्चिल के वॉर कोएलिशन कमेटी के सदस्य भी थे और विंस्टन चर्चिल भारत की आजादी के खिलाफ थे और इसीलिए अपनी बात को रखने के लिए सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने क्रिप्स मिशन की ड्राफ्टिंग भी खुद की थी जिसे बाद में भारत की आवाम और विंस्टन चर्चिल खुद ने ठुकरा दिया था। क्रिप्स मिशन के विफल होने के बाद 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टंक मैदान में गांधी जी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर भारत छोड़ो आंदोलन को यानी क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू किया था और इसी में उन्होंने करो या मरो का लक्ष्य जन को दिया था। और आंदोलन शुरू होने के कुछ ही घंटों के अंदर ये सारे लीडर सारे नेता गिरफ्तार हो गए। आपको ये जानकर हैरानी भी हो सकती है कि हमारे देश की आवाम का बहुत अच्छा खासा हिस्सा क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ था जिसमें शामिल थे वाइस रॉय के काउंसिल जिसमें ज्यादातर भारतीय थे। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, प्रिंसली स्टेट्स, इंडियन इंपीरियल पुलिस, ब्रिटिश आर्मी और ऑफकोर्स इंडियन सिविल सर्विसेज भी क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थे। इसके अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन भी क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थे क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध से उनका व्यापार बढ़ रहा था। साथ ही युवाओं का किरदार भी क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत कम रहा क्योंकि अब तक वे अहिंसा के मार्ग को छोड़कर हिंसा के मार्ग में चल पड़े थे क्योंकि उन्हें सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी ज्यादा भा रही थी, उनका भरोसा अहिंसा से उठ गया था। ऐसे में एकमात्र बाहरी समर्थन रहा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का जिन्होंने विंस्टन चर्चिल को भारत की मांगों पर गौर करने के लिए दबाव डाला। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पहले गांधी जी ने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से लोगों का भरोसा और समर्थन जीत रखा था, इसीलिए बहुत कम समर्थन होने के बावजूद भी यह आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन रहा। 1942 के अंत तक 7,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किए गए, 26,000 से ज्यादा को सजा हुई और द डिफेंस ऑफ इंडिया कानून के तहत 18,000 लोगों को डिटेंशन में रखे गए। ऑफिशियल आंकड़े के मुताबिक करीब 940 लोगों की जाने गई लेकिन नेहरू जी के हिसाब से कम 4 से 10 हजार लोगों की मौतें हुई और जान गंवाने वालों में तमलुक बंगाल की 73 साल की बुजुर्ग महिला मतांगनी हजरा,
गोपुर असम की 13 साल की बच्ची कनकलता बरुआ और यूपी में सैकड़ों लोगों के साथ उन सात बहनों के नाम भी शामिल हैं जिन्हें इस दौरान तिरंगा लहराने पर गोली मार दी गई थी। क्विट इंडिया मूवमेंट के पूरे आंदोलन के दौरान दो महिलाओं ने जन को रेडियो के जरिए जोड़े रखने की कोशिश की, जिनके नाम है अरुणा असफ अली और उषा मेहता। अरुणा असफ अली तो खैर क्रांतिकारियों से जुड़ी एक बहादुर महिला थी, लेकिन उषा मेहता महज एक छात्रा थी, एक छोटी सी लड़की थी जो इस आंदोलन में जुड़कर जन को रेडियो से जोड़े रख रही थी। इन दोनों ने कहते हैं रेडियो इक्विपमेंट और स्टेशन को जगह जगह समय समय बदलने का बीड़ा उठाया ताकि अंग्रेज उनके स्टेशन और इक्विपमेंट को नहीं पकड़ सके, इक्विपमेंट को सीज नहीं कर सके। हमें इन जैसे हीरो को भी याद करना चाहिए। लाखों लोगों के बलिदान के बावजूद भी क्विट इंडिया मूवमेंट अपने उस मुकाम को नहीं पा सके जिस मुकाम के लिए, जिस हासिल के लिए इसे किया गया था। क्विट इंडिया मूवमेंट के विफल होने के कारणों में से हम इन कारणों को मान सकते हैं। सारे लीडर्स गिरफ्तार हो चुके थे, इसलिए उन्हें नेतृत्व करने के लिए कोई चेहरा सामने नजर नहीं आ रहा था। साथ ही जैसे कि मैंने पहले बताया, भारतीयों का सपोर्ट भी नहीं था, हमारी आवाम का बहुत अच्छा खासा हिस्सा इसके खिलाफ था। इसके अलावा लोगों में कंफ्यूजन भी था, खास करके यूथ में, कि गांधी को फॉलो करें या फिर सुभाष चंद्र बोस की बात को माने। सरकार के अत्याचार भी अब बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भारतीयों पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाए गए और कई लोग इससे टूट भी गए। लेकिन फिर भी 1944 को गांधी जब जेल से वापस आए, उन्होंने फिर भूख हड़ताल करके इस आंदोलन को जारी रखा। हमारे देश ने 1947 को आजादी पाई और इस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने किस तरह के बलिदान दिए हैं, ये बात हमसे महरूम नहीं है। उनके तन से बहे लहू ने इस आजाद देश की इतिहास को रची है, इस आजाद देश की बुनियाद को रची है। लेकिन फिर भी आज हमें कई चीजों से आजादी चाहिए। हमें भ्रष्टाचार से आजादी चाहिए, हमें भाई भतीजेवाद से आजादी चाहिए, हमें गरीबी से आजादी चाहिए, हमें समाज की बुराइयों से आजादी चाहिए। भारत का इतिहास खुद बताता है कि गांधी जी ने खुद अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही देश को आजादी दिलाई थी। अगर आज गांधी जी जिंदा होते तो अपने देश के कोने कोने में हो रहे इन हिंसक घटनाओं को देखकर खून के आंसू रोते। हिंसा कभी भी किसी भी मसले का हल हो ही नहीं सकता। हाँ, ये इंसानी जान मालों के नुकसान का कारण जरूर बन सकता है। इसलिए हिंसा को अपने मन से, अपने दिल से उखाड़ के फेंकिए, अहिंसा को अपनाइए, देश के लिए काम कीजिए, देश के लिए सोचिए, देश के हित में कीजिएगा। तो अपने पूर्वजों के उन बलिदानों की इज्जत कीजिए, उनके विचारों की इज्जत कीजिए, अहिंसा को अपनाइए। 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उस क्विट इंडिया मूवमेंट को देश की बुराइयों को भगाने के लिए इस्तेमाल कीजिए, ना कि अपने देशवासियों के खिलाफ कोई भी आंदोलन कीजिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के 79 साल गिरा पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।